बच गए हैं, पहाड़ जैसे कपड़े मैंने इतना सब अरेंज किया, और इसकी कपड़े तो बहुत सारी थी। गोल गोल इसे ओडिया में कहते हैं मुड़ी मुआ, और एक लड्डू टाइप का बनता। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ये लिया है, इसको आज पूरा ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि मतलब बहुत मेस होके पड़ा था। इस एरिया तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इस डाइनिंग एरिया को ऑर्गेनाइज करेंगे। इस टेबल के ऊपर तो जो सामान था हमने उसको सब निकाल दी, और जैसे कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि डाइनिंग टेबल में कोई खाते नहीं है, बस इधर उधर के सामान ऐसे भर के रख देते हैं। तो मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, इतनी काम कर करके सच में मैं थक चुकी हूँ। और चीकू भी रेडी हो गया है पूजा वगैरह करने के लिए। मैं क्या करूँ, काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई, और अब मैं खाना खाने बैठी हूँ। अभी बज गया है 3 बज गए हैं। पहाड़ जैसे कपड़े मैंने इतना सब अरेंज किया, और इसकी कपड़े तो बहुत सारी थी, और मेरी सारी कपड़े मैं सुखा दी। और आज क्या है आपको मैं बता देती हूँ, आज हमारे घर ठाकुरानी आने वाली है। सो रात को ना हमारी घर ठाकुरानी मतलब वज्रसेना ठाकुरानी, हम तो ओडिया में ठाकुरानी कहते हैं, और आप देवी समझ लो। तो वज्रसेना जो कि हमारी घर से थोड़े दूर है उनका मंदिर, और उनका मंदिर जाने के लिए ना एक नदी पार करके जाना पड़ता है, और वो बहुत ही मतलब वो देवी जो है वो सबकी बात सुनती है। हम गए थे पिछले साल, बस थोड़ा सा दो आज के लंच में क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, अभी एक और डिश आने वाली है, वो है खट्टा। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे थोड़ा काकड़ी सलाद, और मुझे खट्टा दे दो, मुझे खट्टा नहीं चाहिए, खट्टा फेवरेट है मेरा। बस तुम मना क्यों हो, मेरा फेवरेट खट्टा, तुम्हारा फेवरेट खट्टा ये टमाटर का खट्टा है, मेरा फेवरेट तो ये है गोभी चिली गोभी मेरा फेवरेट है। हमारे घर आज बहुत सारे मेहमान आए थे, इसीलिए वो इनके लिए बहुत सारी खाना बनाई थी। तो आज का लंच है हमारा राइस, दाल, पापड़, सलाद, और ये पनीर। मुझे पनीर इतना पसंद है, इसलिए मैं एक दो बस ऐसी दो पनीर लाई हूँ, और गोभी मुझे बहुत पसंद है, चिली गोभी, और ये खट्टा। सो गाइस, हम खाना खाने के बाद ही आपसे बात करते हैं, क्योंकि खाना तो ठंडा हो गया है। काम स्टार्ट हो गया है तुम्हारा, अच्छे से करो। बाहू अटकी गई, बाह तेरे कौन ओढ़े उछो। एक बाल्टी पानी लाकर यहाँ पे इसको अच्छे से सफाई कर लो, उसके बाद रंगोली बना देना कोकोनट का छिलका उतारने में, और वो अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कोकोनट की छिलका उतारने में बहुत व्यस्त है। सो गाइस, अभी वो भोग प्रिपरेशन कर रही है, उनके लिए भोग है, और उनका फेवरेट भोग है ये चूड़ा घसा, और इसमें है कोकोनट, जागरी, और पीपल, और क्या क्या डाला है, घी, मिर्च, अड्डा,
जागेरी का एक क्या बना रही है बहू? जागेरी का मुड़ी मुआ। तभी वो बनाएगी मुड़ी मुआ। ये भी एक ओडिया, मतलब आप इसे कह सकते हो जो राइस केक होता है ना, वही होता है राइस केक। वो बनाएगी तो इसमें जागेरी ऐड होगा और वो जो मुड़ी ऐड होगा मुरमुरा, और वो भी भोग लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ा अभी वो डाल देगी क्या मुड़ी मुरमुरा? तो अभी वो मुरमुरा को डाल रही है। तो ये तो इसमें छोटा छोटा गोल गोल बनेगा ना, ये ऐसे ही भोग लगेगा। तो वो अच्छा, तो गाइस जब बहू बनाएगी वो छोटा छोटा एक लड्डू टाइप्स का, तभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसे थोड़े होने देते हैं, इसे एक दो मिनट लगेगा होने में। तो गोल गोल, इसे ओडिया में कहते हैं मुड़ी मुआ, और एक लड्डू टाइप का बन रहा है। ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, बड़ा वाला। बहुत गर्म है ना?